हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम टेंथ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ़ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है इंडिया सेट नो टू चाइना प्रपोजल ऑन पुल बैक फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स तो चाइना ने डेली को एक प्रपोजल भेजा ऑन डिस इंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट फिफ्टी इन द हॉट स्प्रिंग्स एरिया अब चाइना ये चाहता है कि हम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटकर करमसंग पोस्ट तक पहुँच जाएँ बिटवीन पेट्रोलिंग पॉइंट सिक्सटीन एंड सेवनटीन और चाइना क्या करेगा चाइना यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट जाएगा तो बेसिकली चाइना हमसे ये चाहता है कि हम पाँच दस किलोमीटर पीछे चले जाएँ और चाइना यहाँ पर एक किलोमीटर पीछे चले जाएँ तो सोर्सेज एट दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया सिंस द चाइनीज क्लेम लाइन एंड इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल इंटरसेक्ट करती है पेट्रोलिंग पॉइंट फिफ्टीन पे तो so, अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है इसका मतलब यह है कि चाइनीज ट्रूप्स तो बहुत थोड़ा सा पीछे जाते लेकिन इन कम्पेरिजन हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है सेकेंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे रेड फ्लैक्स ओवर पीएलआई स्कीम नीति प्लान्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस तो पीएलआई स्कीम के बारे में आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि इंसेंटिव्स देती है उन कंपनीज़ को जिनका यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बड़ा है या इंक्रीमेंटल सेल्स हुई है या जॉब क्रिएशन हुआ है तो इस बेसिस पर यहाँ पर कंपनीज़ को इंसेंटिव दिए जाते हैं फॉलोइंग रेड फ्लैग्स रेज्ड बाई द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नीति आयोग हैज़ कमेंस्ड वर्क ऑन इन्वॉल्विंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो यहाँ पर एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए ऑफ वेरियस कंपनीज की क्या उनका सच में यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ा है कोई इंक्रीमेंटल सेल हुआ है तो इसको गेज करने के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा और इसके बेसिस पर यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे टू ट्रैक वैल्यू एडिशन बाई कंपनीज़ विच अवेल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अंडर द इंडिया गवर्नमेंट तो विद इन्सेंटिवस अंडर द पी एल आई स्कीम टॉपिंग रुपीज़ टू लैक करोड़ स्टेक होल्डर्स नाउ फील द नीड टू चेक क्या जो फर्म्स यहाँ पर बेनिफिट्स अवेल कर रही हैं क्या वो सच में कोई वैल्यू एडिशन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं सिर्फ ऑन पेपर ही हमें दिख रहा है कि कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उसके लिए नीति आयोग जो है यहाँ पर सेड भी यह और किसी स्टेट ओन आई एफ सी आई लिमिटेड की हेल्प से एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएगी तो नीति आयोग प्लान्स टू ओपन एन एक्सटर्नल एजेंसी स्टेट ओन आई एफ सी आई लिमिटेड और सिड बी एक डेटाबेस बनाकर गेज किया जाएगा कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बाद ही उनको यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो दिस डेटा बेस विल कैप्चर वैल्यू एडिशन एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट कमिटमेंट्स मेड एंड जॉब क्रिएशन सो फार जो पी एल आई स्कीम्स उसको एक्सटेंड किया जा चुका है चौदह सेक्टर्स के लिए जब इनिशियली आई थी तो ये सिर्फ तीन सेक्टर्स के लिए थी वो वो तीन सेक्टर्स थे मोबाइल एंड एलाइट कॉम्पोनेंट मैनुफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट मैनुफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइस फिर इसको बढ़ाया बढ़ाया गया और ये अब चौदह सेक्टर्स तक पहुंच चुकी है तो अब एक कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स में जज किया जाएगा वेरियस कंपनीज़ को और उसके बेसिस पे यहाँ पर कंपनीज़ को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे ई सी आई टू सुप्रीम कोर्ट नो पावर टू चेक पार्टीज़ गवर्नमेंट्स फ्रॉम प्रॉमिसिंग फ्रीबीज अब एक पटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन में बेसिकली ये था कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रीबीज अनाउंस करते हैं उसकी वजह से वो कितनी इकोनॉमिक वायबल हैं या उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि टॉप ब्यूरोट्स ने गवर्नमेंट को ये बताया था कि अगर ऐसे ही फ्री देती दिया गया और पॉपुलिज्म की पॉलिसीज होती गई तो उसकी वजह से इंडिया में भी श्रीलंका जैसी क्राइसिस आ सकती है तो अम्बेडा डिबेट ओवर फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ़ फ्रीबीज एंड पॉपुलर्स्ट स्कीम अनाउंसड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ वाइंग फॉर पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर में ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रोक सके फ्रीबीज को रोक सके तो इन एन एफिडेफिट फाइल्ड इन द टॉप कोर्ट द ई सी आई सेट ऑफरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एनी फ्रीबीज इधर बिफोर और आफ्टर द इलेक्शन ये पूरी तरीके से पॉलिसी डिसीजन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है अब पटीशन में ये भी कहा गया कि इसको एक तरीके से ब्राइबरी देखा जाना चाहिए कि ये ब्राइबरी दी जा रही है लोगों को ताकि लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें फिर यहाँ पर कोर्ट किया गया जजमेंट जो कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का दो का जजमेंट इन द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स केस जिसमें ये कहा गया था जो ये प्रोमिसज किए जाते हैं कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फ्री वाटर देंगे तो इनको आप एक तरीके का ब्राइब नहीं कंसिडर कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट की 2013 की रूलिंग एंड द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन अदर्स केस वेयर इन इट वॉज सेट दैट अ प्रॉमिस कंटेंट इन एन इलेक्शन मैनिफेस्टो कांट इन इट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ ब्राइब और करप्ट प्रैक्टिस एज पर सेक्शन वन टू थ्री ऑफ द आर पी एक्ट नाइनटीन तो बेसिकली इसको ब्राइब नहीं कंसिडर कर सकते सुप्रीम कोर्ट का ही दो का डिसीजन है फिर ए कोर्ट ने ई को ये कहा था कि आप इंटरवीन करो आप तभी इंटरवीन कर सकते हो जब आपके पास लेजिस्लेशन हो इंटरवीन करने के लिए फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया कि आपने जो एम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप ये बोलो कि आप मैनिफेस्टो में क्या रख सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मैनिफेस्टो में एक क्राइटेरिया होना चाहिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का तो एपी एक्स कोड इन दैट केस आल्सो सेट दैट ईसीआई कैन इंटरवीन ओनली व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस लेजिस्लेशन कवरिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड आज डेट टू फ्रेम गाइडलाइंस गवर्निंग सेट दैट इट हैड अकॉर्डिंगली आफ्टर कंसल्टेशन विद रिकनाइज पॉलिटिकल पार्टीज गाइडलाइंस इशू की है जो कि पार्ट एट ऑफ द एमसीसी में है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनिफेस्टो को डिज़ाइन किया जाएगा द ई सी स्टेटेड डिट ऑल द प्रोमिसज इन मैनिफेस्टो आर नॉट इनफोसिबल अंडर इलेक्शन लॉ तो मैनिफेस्टो के अंदर जो भी प्रोमिसज होते हैं वो इन्फोसिबल नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर पटिशन में ये भी था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे फ्रीबीज़ देती हैं तो उन फ्रीबीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज देती है उनको यहाँ पर डी रजिस्टर कर देना चाहिए उनसे उनके सिंबल्स ले लेने चाहिए वापस तो अन उपाधेस प्रेयर दट ई सी आई भी डायरेक्टेड टू सीज इलेक्शन सिंबल डी रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टी विच प्रामिस डिस्ट्रीब्यूट ए रैशनल फ्री बीज फ्रॉम पब्लिक फंड तो यहाँ पर भी ईसीआई ने सिमिलर स्टैंड लिया है जो कि दो हज़ार बीस में लिया था और ईसीआई का ये कहना है कि ई सी आई के पास ये पावर नहीं है उन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने के लिए जो कि यहाँ पर फ्रीबीज देती हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पॉलिसी डिसीजन है तो आइए अब आपको समझ आ गया हो अब हम आगे चलते हैं प्रेसिडेंट सी जे बैट फॉर मीडिएशन टू चेक केस पेंडेंसी अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है तो केसेस पेंडिंग है तो उनको सॉल्व भी करना जरूरी है तो और नए केसेस ना आए नए केसेस आए तो कम आए तो उसको कैसे कम किया जा सकता है तो बेसिकली मीडिएशन की प्रक्रिया से इसे कम किया जा सकता है तो लोक अदालत जैसी संस्थाएं मीडिएशन सेंटर्स और ज्यादा बनने चाहिए ताकि लोग मीडिएशन सेंटर्स में जाएँ ना कि हर केस लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएँ तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन सैटरडे सेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन इज येट टू फाइंड अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इंडिया में मीडिएशन की इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि मीडियशन को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जो बॉटल नेक्स है जैसे कि डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं है सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है ताकि मीडियशन को भी लोग यूज़ करें अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए तो ऑल स्टेक होल्डर्स शुड डिस्प्ले अ पॉजिटिव एटीट्यूड टवर्ड्स इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट प्रेजिडेंट ऑल्सो सेट दैट टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का कि वो आई सी टी की तरफ शिफ्ट करें टू द इंफॉमेसन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ताकि आसानी से लोगों को जस्टिस मिल सके एज लॉन्ग एज जस्टिस इज बिंग सर्व इट डज नॉट मैटर वेदर ये कोर्ट्स के द्वारा सर्व की जा रही है या यहाँ पर ये मीडिएशन सेंटर्स के द्वारा सर्व की जा रही है तो इससे फर्क नहीं पड़ता बस जस्टिस सर्व होनी चाहिए तो सी जी आई रमना सेड लोक अदालत ग्राम अदालत एंड मीडिएशन सेंटर्स हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लीगल लैंडस्केप ऑफ इंडिया तो बेसिकली आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेानिज्म की इफेक्टिवनेस हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो पेंडेंसी है केसेस की वो यहाँ पर कम हो सके आगे हम चलते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे चलते हैं डैगर इन द हार्ट ऑफ लिबर्टी एक यहाँ पर केस है वो हम डिस्कस करेंगे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका तो इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट की थी यहाँ पर नारको एनालिसिस की पॉलीग्राफ टेस्ट की और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वॉयलेट करते हैं ये तीनों टेस्ट तो इसमें कोर्ट ने कंक्लूजन दिया था पहला कंक्लूजन ये है कोर्ट का कंक्लूजन इज दैट द रिजल्ट ओप्टेंड थ्रू द इनवॉल्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईदर ऑफ़ द इम्पग्ड टेस्ट तो अगर इन वॉलन्ट्री ये सारे टेस्ट किए जाते हैं तो बेसिकली ये स्कोप में आ जाएगा टेस्टीमोनियल कंपल्शन कि आपको यहाँ पर टेस्टीमनी देने के लिए कंपलसरी uh, किया जा रहा है आपको टेस्टीमनी देने के लिए देर फॉर इट इज आर कंसिडर्ड ओपिनियन की अगर किसी पर्सन को इनवॉल्ट्री ये सारे टेस्ट लिए जा रहे हैं इनवॉल्ट्री तो बेसिकली उसकी प्राइवेसी का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है तो इन लाइट ऑफ दिस कंक्लूजनस वी होल्ड दैट नो इंडिविजुअल शुड बी सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ द टेक्निक्स इन क्वेश्चन तो किसी भी इंडिविजुअल को आप इन ये सारी टेक्निक्स उसको सब्जेक्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर भले इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिमिनल केसेस के लिए किसी के लिए भी तो ये सारी टेक्निक्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिना उसकी कंसेंट के तो अगर वो अपनी कंसेंट दे रहा है करने के लिए तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग लेकिन बिना कंसेंट के इन इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन करके आप ये नहीं कर सकते अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब आप उसको टेस्टिमनी देने के लिए कंपल्शन कर रहे हो उसके ऊपर और ये यहाँ पर प्राइवेसी का उल्लंघन है उसके बाद आपको पुट्टा स्वामी जजमेंट पता है तो इन इन्वेजन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मस्ट मीट द थ्री फोल्ड रिक्वायरमेंट्स कि अगर यहाँ पर सरकार लोगों की प्राइवेसी का वॉयलेशन कर रही है तो बेसिकली वो तीन टेस्ट को पास होना चाहिए वो वॉयलेशन पहला नीड उसकी ज़रूरत होनी चाहिए दूसरी लीगैलिटी किसी लॉ के बेसिस पर प्राइवेसी का उल्लंघन होना चाहिए और तीसरा जो है वो है प्रोपेशनलिटी कि जितना आपको यहाँ पर उससे फ़ायदा हो रहा है उतने बेसिकली आपको जरूरत है कि आप यहाँ पर दस लोगों का डेटा कलेक्ट करके बैठ जाओ तो प्रोपेशनलिटी विच एन्श्योर्स अ रैशनल नेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मींस अडॉप्टेड टू अचीव दम अब लिबर्टी एंड प्राइवेसी तो बेसिकली ऑथर ने ये दोनों जजमेंट्स के बाद ये बताया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है वो यहाँ पर लिबर्टी और प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पर वॉयलेट करता है क्योंकि वो लोगों की बॉडी मेजरमेंट्स लेगा इसके अलावा जो लोगों का डेटा है वो पचहत्तर सालों तक यहाँ पर एजेंसीज़ के पास रहेगा तो दर इज अ डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे इसके अलावा उसके एट्रीब्यूट्स कलेक्ट किए जाएंगे आयर स्कैन रेटिना स्कैन बेसिकली आप सारे तरीके का डेटा कलेक्ट कर लोगे और डेटा सिर्फ उन्हीं का कलेक्ट नहीं करोगे जो कन्विक्टेड है बेसिकली जो अरेस्टेड है या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप उनका भी डेटा कलेक्ट करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट डिसेंट करते हैं तो आप उनको भी जेल में डाल के उनका भी डेटा कलेक्ट कर लोगे तो बेसिकली यही सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है ये हम डिस्कस करेंगे इन इंडियाज़ बैलेंसिंग एक्ट एकोज फ्रॉम द पास्ट अब ये बताया गया कि इंडिया की पोजीशन पहले सोवियत यूनियन ने कोई भी एक्ट किया या पहले यूएस ने कोई भी एक्ट किया तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या रही है तो इंडियन पोजिशन एंड स्टेटमेंट्स ऑन रशियंस स्टेट द सोवियत यूनियन एंड इट्स आर्म इंटरवेंशन जैसे कि यहाँ पर रशिया ने इंटरवीन किया था हंगरी में चकोसलोवाकिया में अफगानिस्तान में तो वहाँ पर हमारी क्या पोजिशन रही थी इसके अलावा जब इसराइली ब्रिटिश फ्रेंच इन्विजन हुआ था इजिप्ट का इसके अलावा यूएस ने वियतनाम में यूएस का इन्वेजन हुआ था यूएस का इन्वेजन इराक में हुआ तो तब हमारे वहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स थे तो वो यहाँ पर ऑथर ने बताया है अभी तो बेसिकली रशिया यूक्रेन के इन्विजन में हमारा यही कहना है कि यूएन के जो चार्टर है उसमें अबाइड किया जाना चाहिए सॉवर्निटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और जो भी यहाँ पर डिफ्रेंसेस हो उनको यहाँ पर हमें डिप्लोमेसी से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए डायलॉग से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए अब यहां पर इजिप्ट वॉर की बात बताई गई है तो स्विस कैनाल तो इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट थे उनका यह कहना था कि स्विस कैनाल को हम नेशनलाइज कर रहे हैं तो वन स्प्रैंक फ्रॉम द ब्रिटिश एंड फ्रेंच रिएक्शन टू इजिप्शियन प्रेसिडेंट जिन्होंने डिसीजन लिया था उन्नीस जुलाई में कि हम यहाँ स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर देंगे उससे पहले जो स्विस कैनाल था वो कंट्रोल किया जाता था बाई द एंग्लो फ्रेंच कंपनी तो एंग्लो फ्रेंच कंपनी को जब पता चला कि स्विस कैनाल को नेशनलाइज हो रहा है तो उसके बाद इसराइल के साथ मिलकर यहाँ पर जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे उन्होंने अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ डेजल्ट्री टॉक्स बोथ कंट्रीज इलाग विद इजराइल डिसाइडेड टू तो लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इजिप्ट इन अक्टूबर इंडिया बहुत ज़्यादा आउटरीच था कॉलोनियल पावर्स के इस एक्शन के द्वारा जो इन्होंने इजिप्ट में किया था नेहरू ने इस एक्शन को कंडेम किया और नेहरू ने यूएस को भी बोला कि आप अपने एल से बोलो ये वॉर बंद करें तो ब्रिटेन फ्रांस और इसराइल हम यहाँ पर यूएस के साथ कांटेक्ट में गए और हमने ये कहा यू से कि आप अपने एलाइज को इंसिस्ट करो ब्रिटेन फ्रांस और इसराइल को कि अपने फोर्सेस को वो विद्रॉ करें उसके बाद भी इन कंट्रीज ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ नहीं किया था जब यू एन जी ने इनसे बोला फोर्सेज को विदड्रॉ करने के लिए और यू ने इनको धमकाया कि हम आपकी करेंसी को डी स्टेब्लाइज कर देंगे उसके बाद इन्होंने अपनी फोर्सेज को विद्रॉ किया तो पहले वॉर में इंडिया का क्या स्टैंडर्ड हमने देख लिया दूसरा वॉर हंगरी में जो पॉलिटिकल क्लास थी वो सपोर्ट कर रही थी कि अब हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉग सेक्शन ऑफ द हंगेरियन पॉलिटिकल क्लास सपोर्टेड बाई स्टूडेंट्स एंड अदर हॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सोवियत डोमिनेशन ये अपना सोशलिस्ट पाथ बनाना चाहते थे और वार्सअप एक्ट से अलग होना चाहते थे अल्टीमेटली क्या हुआ सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेट किया और एंटी सोवियत फोर्सेस को पूरी तरीके से ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया तो इजिप्ट में यहाँ पर नेहरू ने क्या बात की कि ये जो फोर्सेज उनको बाहर आना चाहिए विद्रा किया जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर नेहरू इनिशियली डिड नॉट ओपनली स्पीक अगेंस्ट द सोवियत तो यहाँ पर हमने सोवियत यूनियन का सपोर्ट किया फिर उसके बाद चेको स्लोवाकिया की बात बताई गई है तो चेको स्लोवाकिया विटनेस द पीरियड ऑफ सोशलिस्ट लिबरलाइजेशन और यहाँ पर जो सोवियत यूनियन और वार्सअ पैक्ट से बेसिकली वो से बाहर आना चाहते थे फिर नाइनटीन में क्या किया सोवियत यूनियन की आर्मीज़ ने चेको स्लोवाकिया को इन्वेट किया तो सोवियत लेड एक्शन वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया लेकिन उसके बाद भी उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था फिर सोवियत ने जब नाइनटीन में अफगानिस्तान को इन्वेट किया तब भी हमने यहाँ पर सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज नहीं किया था लेकिन जब वियतनाम में यहाँ पर यू ने इन्वेट किया और उसके बाद यहाँ पर इराक में यू ने इन्वेट किया तो हमने यहाँ पर इराक में यू को ये बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए यू को तो यहाँ पर हमने यूएसए को कंडम किया था क्योंकि यूएस ने फॉल्स प्रमाइसिस के बेसिस पे यहाँ पर इराक में इन्वेट किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसलिए हमें यहाँ पर इन्वेट करना जरूरी है तो 2003 थाउजेंड थ्री यू एस इन्वेजन ऑफ इराक वॉज बेस्ड ऑन फॉल्स प्रमाइस द गवर्नमेंट एक्सप्रेसड एंग्विश एंड पार्लियमेंट डिप्लोड इंडिया ऑलसो रिफ्यूज अ यू एस रिक्वेस्ट टू सेंड पीस कीपिंग फोर्सेज टू द कंट्री तो यू एस के कहने पर हमने पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं भेजी थी इराक में तो दीज वर वाइस डिसीजन और इसकी वजह से इंडिया यू एस टाइस को इम्पैक्ट नहीं पड़ा था तो बेसिकली हम यू एस को ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं हमने इससे पहले भी जो भी इन्वेजनस हुए हैं अब हम आगे चलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर इकोनमी के बारे में है जैसे कि आप एक कार देख रहे हो फिर कार के यहाँ पर जो भी बॉडी है उसको एक तरीके का मेटालिक क्यूब में बना दिया गया है फिर क्या होगा इस मेटालिक क्यूब का तो बेलर क्रशेज द फ्रेम एंड कन्वर्ट्स द बॉडी शेल इन टू अ क्रम्पल्ड मेटल क्यूब तो मेटल क्यूब में कर दिया गया है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को डिसमेंटल कर दिया गया है फिर इस क्रश्ड फ्रेम को भेज दिया जाएगा टू द स्टील मिल्स स्टील मिल्स क्या करेगी इसको स्मेल्टर करेगी और इसमें से स्टील निकालेगी और स्टील निकालने के बाद इसको कंस्ट्रक्शन इनपुट्स के लिए यूज़ करेगी सिर्फ स्टील ही नहीं इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉम्पोनेंट्स इसमें से मिलेंगे जैसे कि अल्मीनियम एंड कॉपर इन एडिशन टू पार्ट एज बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जिसको कि कंपनी रिसाइकलर्स को बेच सकती है और यहाँ पर हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो द प्लैट इज अ स्टेप द प्लान इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट लेड सर्कुलर इकोनॉमी प्राइमरली विद एम ऑफ मूविंग द एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल ऑफ कार्ड्स फ्रॉम अ लार्जली अनऑर्गनाइज टू द ऑर्गनाइज सेक्टर जिसकी वजह से यहाँ पर इवायरमेंट फ्रेंडली डिसमेंटलिंग हो सके इन व्हीकल्स की तो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसमेंटलिंग हो सके इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि सर्कुलर इकानमी को कैसे पोष्ट देगा तो अमंग द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट फॉर्मलाइज व्हीकल स्क्रैपेज यूनिट्स फेस इज द कॉम्पिटन फ्रॉम दर इनफॉर्मल काउंटर पार्ट क्योंकि जो इनफॉर्मल काउंटर पार्ट्स है जहां पर अपनी व्हीकल देकर आते हो और वो यहाँ पर स्क्रैपेज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कम मेटिकुलस प्रोसेस से करते हैं और वो ज़्यादा बेनिफिट कर लेते हैं एज कंपेयर टू दिस क्योंकि ये भी इकॉानमी ऑफ स्किल पर काम नहीं कर रहा है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत है बाकी यहाँ पर अगर व्हीकल स्क्रेपेज की बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी तो अपने आप ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी यहाँ पर दो सर्वे की बात की गई है एक सर्वे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ़ हाउस होल्ड्स तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये आपको पता होना चाहिए और एक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे है जो कि है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे तो बस आपको ये पता होना चाहिए दोनों सर्वे कौन कंडक्ट करता है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और यहाँ पर जो सर्वे वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड आगे, आगे हम चलते हैं ये हम नहीं डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थ्री को टेस्ट फ्लाइट किया ये हम डिस्कस नहीं करेंगे अब श्रीलंका जो है वो थ्री बिलियन डॉलर का लोन चाहता है इनके नए फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है क्योंकि आईएमएफ के साथ टॉक्स जो है वो अगले महीने हैं तब तक लिए इनको इससे पहले भी पैसे चाहिए होंगे तो आइलैंड नेशन इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक रपसी ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर का इनके ऊपर फॉरेन डेट है सात बिलियन डॉलर तो इन्हें इसी साल देने हैं और एक बिलियन डॉलर तो इन्हें जुलाई में देना जो कि इनके पास नहीं है श्रीलंका विल नीड अबाउट थ्री बिलियन डॉलर इन एक्सटर्नल असिस्टेंस इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स टू हेल्प रिस्टॉर सप्लाइज ऑफ असेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फ्यूल एंड मेडिसिन और ये यही चाहेंगे कि जिन भी कंट्रीज के ऊपर इनका डेट है वो इनका डेट को रीस्टक्चर दें इन बॉन्ड्स को रिस्ट्रक्चर कर दें ताकि ये इस क्राइसिस को स्टेव ऑफ कर पाएँ तो आई होप आपको आज का न्यूज एनालिस समझ आ गया हो इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अनाइए